नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। यह भारत का 26वां राष्ट्रीय महोत्सव होगा। और बता दें कि कर्नाटक के हवली जिले में पीएम मोदी द्वारा महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा इस मौके पर भारत भर के स्कूल और कॉलेज से निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें परेड, भाषण, वाचन, साथ ही गीत सम्मेलन और साथ ही सेमिनार आयोजित होगा। एजेंसी द्वारा जारी प्रेस विज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यह देश के सभी हिस्सों में विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भारत से जोड़ता है। साहिब बता दें कि इस वर्ष ये महोत्सव 12 से 16 जनवरी को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित की जाएगी, जिसमें थीम है कि विकसित युवा विकसित भारत, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और साथ ही उद्धरण। बता दें कि उद्धरण हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। भारत इस दिन को लेकर देश के युवाओं को जश्न मनाने के लिए मानता है और उन्हें विवेकानंद के विचारों और दर्शन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें कि युवा महोत्सव की शुरुआत करने के लिए पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। युवा महोत्सव 26वां युवा महोत्सव बताया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस दौरान बता दें कि इसमें एक प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें परेड, भाषण, वाचन, गीत और सम्मेलन सेमिनार जैसी चीज़ें आयोजित होगी। बता दें कि इस सेमिनार को लेकर वहां पर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही बता दें कर्नाटक में ये राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन पीएम करेंगे। 26वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन है ये, जहां कर्नाटक के हुबली जिले में पीएम मोदी महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा इस मौके पर भारत भर के स्कूल और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और इस दौरान तमाम तरीके की चीज़ें आयोजित होगी। और इस दौरान बताया गया है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए किया जाता है। देश में सभी हिस्सों में विविध संस्कृतियों को लेकर ये मंच पर साझा किया जाता है। साथ ही बता दें कि इस दौरान प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ने के लिए इस तरह की महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में जोशीमठ में भू धसाव और मकानों में दरार का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है और ये नया संकट टिहरी गढ़वाल में खड़ा हो गया है। अब यहाँ भी मकानों में दरार और भू धसाव की घटनाएं सामने आई है। हालत ये है कि आपको बता दें कि इस कदर लोगों में दहशत फैली हुई है कि परिवारों ने अपने मकान छोड़कर सुरक्षित ठिकाने पर पनाह ले ली है लोगों ने। वहीं बाकी लोगों ने समय रखते हुए सरकार से राहत कार्य शुरू करने की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टिहरी झील के लगते हुए उन गांवों में इस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां चंबा टनल गुजर रही है। इस घटनाओं से दो दर्जन से अधिक परिवार जो है प्रभावित हुए हैं। लोगों के खतरे की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार समय रहते आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रही है। यहां भी मकानों में दरार आ चुकी है और साथ ही चंबल टनल को जिम्मेदार इसका बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत बने 440 मीटर लंबे टनल के निर्माण के बाद से इस तरह की दिक्कतें पैदा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को भूधसा प्रभावित जोशीमठ के नगर का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान लोगों का दर्द देखने को मिला है। लोगों का दर्द उनके आंखों के जरिए बहता हुआ नजर आया है। प्रभावितों के लिए अंतरिम सहायता की घोषणा की गई है। वहीं बद्रीनाथ महायोजना के तर्ज पर मुआवजा राशि की मांग को लेकर अड़े स्थानीय लोगों और असुरक्षित घोषित इमारतों को तोड़े जाने पर कार्रवाई बाधित रही है। इस बीच बता दें कि प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम पैकेज में विकृत
बता दें कि अंतरिम पैकेज के वितरण और पुनर्वास पैकेज को दर निर्धारित करने के लिए चमोली जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय एक समिति गठन की गई है। जोशीमठ पहुंचते ही मुख्यमंत्री हेलीपैड से सीधा भूतसा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए निकले और प्रभावितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिला है। उन्होंने कहा है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को कंबल भी वितरण किए हैं। जोशीमठ में मीडिया से बातचीत करते हुए धामी ने स्पष्ट किया है कि जोशीमठ में चिन्हित असुरक्षित भवनों को में केवल 2 होटल ही है जिसे अभी तोड़ा जाएगा और यह भी सभी की सहमति से होगा। उन्होंने कहा है कि राहत एवं पुनर्वास के लिए एक समिति गठित की गई है जिसमें सभी प्रमुख वर्गों को लोगों का सम्मिलित कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समुचित तरीके से राहत और पुनर्वास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने अंतरिम राहत की घोषणा लोगों को बता दें कि फौरी रूम से राहत देने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जोशीमठ की स्थिति निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भूधसाव के कारण जितना नुकसान होना था वह हो चुका है और आगे भी ठीक ही जाएगा। उन्होंने आने वाले समय में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन और साथ ही 4 धाम का जिक्र करते हुए कहा है कि इस प्रकार का वातावरण ना बनाया जाए कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड के दौरे पर थे। उन्होंने जायजा लिया है, वहां के लोगों से बातचीत करने की है और इस दौरान लोगों का दर्द देखने को मिला है। काफ़ी लोग इसको लेकर परेशान है, अपने घर छोड़कर दूसरे जगह रहने को मजबूर है। साथ ही बता दें कि इस दौरान महिलाएं काफ़ी लोग रोते हुए भी नजर आए और साथ ही बता दें कि पुष्कर सिंह धामी आज भी जोशीमठ का वहाँ जायज़ा लेंगे और साथ ही उसके बाद वहाँ से वे रवाना होंगे। बता दें कि इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जगहों पर जो भूधसा प्रभावित जगहें हैं उनका जाके जायज़ा लिया है। इस दौरान जो वहाँ के लोग हैं उनको कंबल वितरित किए गए हैं। साथ ही अभी इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि सहायता की बात की है। साथ ही कहा है कि इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है, हर संभव मदद दिलाया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पुष्कर जुड़ गए हैं। पुष्कर, जिस तरीके की जोशीमठ की स्थिति देखने को मिल रही है, पुष्कर सिंह धामी वहां पर कल पहुंचे थे, इस दौरान कैसे लोगों का दर्द देखने को मिला, क्या कुछ वहां पर पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है और किस तरीके से लोगों ने अपनी बात सीएम के सामने रखी है, पुष्कर? बिल्कुल, देखिए सोनाली, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार जो है जोशीमठ को फॉलो भी कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है, चाहे आप स्थलीय निरीक्षण का कार्य देख लीजिए, चाहे आप आपदा से ग्रस्त जो लोग हैं उनका रहने के लिए हो या चाहे खाने के लिए हो, तमाम सारे कार्य जो है यहाँ पे चल रहे हैं, जोशीमठ में चल रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे आप बताई है उसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी जो है कल शाम को जो जोशीमठ में पहुंचे हैं और अभी भी जो जोशीमठ में है और आज जो है 12:30 बजे तक उनका कार्यक्रम है। अधिकारी के साथ मीटिंग है, आपदा प्रबंधन के साथ है, स्थानीय प्रशासन के साथ मीटिंग है और उसके बाद में दिल्ली से जो भू वैज्ञानिक की टीम यहाँ पे पहुंची है उनके साथ साथ भी मीटिंग है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि जो लोग यहाँ पे आपदाग्रस्त है उनके साथ उन्होंने जो है रात भर जो है स्थलीय यहाँ पे निरीक्षण किया, घर घर जाके देखा कि किस तरह की समस्या जो स्थानीय लोगों को आ रही है, उसका यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी किया और हर तरह जो है संभव यही, चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे आपकी भारत सरकार हो, जो जोशीमठ को मदद देने की कोशिश यहाँ पे पूरी कर रही है। हालांकि जोशीमठ में जो आपदा आई है या जिस तरह से जो भूदशा हो रहा है उसको लेकर जो है कब तक जोशीमठ वाले को निजात मिल पाएगी तो आने वाला समय बताएगा सुना नहीं, लेकिन भरपूर सहयोग जो है उत्तराखंड की सरकार का जो है जोशीमठ वासियों को मिल रहा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है जोशीमठ को की जो भी निगरानी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आपदा से लेकर बड़े बड़े डिजास्टर आपने देखा हो कि बड़े बड़े घराने जो है लोगों के मकानों में आगे हैं, होटल व्यवसाय में आगे हैं, तो तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मीटिंगों का दौर यहाँ पे लगातार सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ वैज्ञानिकों के साथ भी यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल वही है कि कब तक इन लोगों को विस्थापन यहाँ पे मिल पाएगा और उसके बाद जो है खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था जो है स्थानीय प्रशासन ने कर तो दी है, मुआवजे की व्यवस्था जो है सरकार ने कर तो दी है, लेकिन इनका जो आशियाना उजड़ गया है इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है
कि इनका विस्थापन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर लगातार जो है पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो आला अधिकारी हैं, सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं और आज 12:30 बजे के करीब जो है यहाँ पे प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे और उसके बाद जो है आला अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। पुष्कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम हर स्तर पर आपकी मदद करेंगे, इस दौरान अंतरिम पैकेज को जो है वो वितरण किया गया है, कितनी अंतरिम पैकेज दी जा रही है और पुनर्वास पैकेज कितने निर्धारित किए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनाली, क्योंकि 603 जो परिवार हैं उनमें से जो है 81 परिवार मुक्त कर दिया गया था, तो इसको लेकर जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, इनको जो है जिस तरह से मुआवजा जो है 1.5 लाख से ऊपर की जो देने की घोषणा जो कल यहाँ पे जो है की गई थी, जोशीमठ में की गई थी, उसको लेकर 1.5 लाख को लेकर जो है जरूर यहाँ पे विरोध भी हमको देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये 1.5 लाख का जो पैकेज था जो इनको दिया गया वो केवल इनको सामान ले जाने या खरीद पे इनको जमीन देखने इसका जो मुआवजा करने को ये दिया गया था, लेकिन जो आर्थिक पैकेज मिलेगा या आर्थिक सहायता मिलेगी तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अभी जो है इस तरह निरीक्षण किया जा रहा है कि किन किन लोगों के जो घर पूर्ण क्षतिग्रस्त हो सके या किन किन लोगों को संभवतः मदद दी जा रही है उनका पूरा यहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। हालांकि पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ की किस तरह का जो मुआवजा राशि हो या किस तरह का इसको जो विस्थापन किया जाए, पूरी जगह जो है जब स्थलीय निरीक्षण हो जाएगा, रिपोर्ट जो है चाहे वो आपदा प्रबंधन सचिव की रिपोर्ट हो, चाहे वो भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट हो, चाहे वो यहाँ पे पर्यावरणविद आए हैं उनकी रिपोर्ट हो, तो तमाम रिपोर्टों का निरीक्षण होने के बाद जो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा, लास्ट में किस तरह से जो पैकेज मिलेगा उत्तराखंड सरकार इस पर डिसाइड करेगी कि किस तरह से दिया जाएगा। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार जो है पूरे ही समय जोशीमठ में फोकस है कि जोशीमठ को बचाया किस तरह से जाए, इसको लेकर पूरा शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे तमाम सारे SDRF NDRF पुलिस प्रशासन हो, तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे जो स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं और अपनी अपनी रिपोर्टें, और जिन लोगों के घर ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और पैकेज की आपकी बात करें तो पैकेज जो है जब स्थलीय निरीक्षण यहाँ पे हो जाएगा सोनाली, उसके बाद पुनर्वास किस तरह से किया जाए या विस्थापन किया जाए वो आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसा पैसा, कैसा इनको पैसा मिल पाता है या पैकेज मिल पाता है या विस्थापन हो पाता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा सोनाली। लेकिन जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार भी और JP Nadda ने कल जो है जिस तरह से जो मुख्यमंत्री से बात करी है, फोन पर बात करी है, पल पल का अपडेट जाना है, तो सभी चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे वो आला अधिकारी हो, चाहे वो आपका जो है भारत सरकार हो, भारत सरकार के बड़े कर्मचारी हो, तमाम सारे लोग हो, वो लोग जो है जोशीमठ को लेकर जो है यहाँ पे जो निगरानी कर रहे हैं। पुष्कर, बिल्कुल सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए और किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, तस्वीरों में साफ देखने को मिला कि लोगों का दर्द किस तरीके से झलकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुष्कर, एक छोटा सा और एक सवाल है जो जानना चाहूंगी मैं कि इस दौरान 2 होटलों को तोड़ा जाएगा और साथ ही जिन घरों में ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, क्या उन घरों को लेकर भी अभी सरकार ने कोई फैसला लिया है कि उन घरों को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, उन घरों को भी क्या तोड़ा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुनाली, सरकार ने जो फैसला लिया था जो जिन घरों को चाहे होटलों को यहाँ पे चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी शासन द्वारा, लेकिन वो अभी तोड़े रह गए हैं क्योंकि उनका आकलन नहीं हो पाया था कि किस तरह से इनका आंकलन किया जाए, किस तरह से इनको पेमेंट दिया जाए, उस पर अभी भी सरकार जो है मीटिंग करेगी, अभी 11:30 बजे के करीब एक मीटिंग उसी पे है, तो क्योंकि उसमें विरोध भी किया था यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने या होटल स्वामी थे वो धरने पर भी बैठ गए थे कि जब तक उन्होंने कहा था कि हमारा आंकलन न हो तो उनको ना तोड़ा जाए, उसके बाद एक मीटिंग भी यहाँ पे बैठी थी, सहमति बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको मुआवजा जो है यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अभी जो घर जिन घरों में जो क्रॉस या फिर लाल निशान जो है सरकार द्वारा लगा देंगे उनका सभी निरीक्षण हो रहा है कि इन लोगों को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं या कहाँ इनको पुनर्वास दिया जाए, तभी इस पर कार्रवाई होगी, तोड़ने की कार्रवाई होगी। हालांकि जो बड़े बड़े घर हैं या बड़े बड़े जो होटल हैं इनको जो है यहाँ पे चिन्हीकरण कर लिया गया है, इनकी लाइट की व्यवस्था जो लाइट होती है इसको काट दिया गया है, अन्य सामान है इसको जो है सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया, केवल अब तोड़ने की ध्वस्त करने की जो व्यवस्था है उस पर भी चर्चा चल रही है, कब तक ये टूट पाएंगे या नहीं टूट पाएंगे तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जो मीटिंगों का दौर है, जो ध्वस्तीकरण को लेकर जो मीटिंगों का दौर है वो अभी भी जारी है। हालांकि जब सहमति बन जाएगी उसके बाद इनको तुरंत यहाँ पे तोड़ने
की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल पुष्कर, काफी दर्दनाक तस्वीर है जोशीमठ की, और जिस तरीके से वहाँ के लोग परेशान है, अपना दर्द सीएम को बताते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी कहीं ना कहीं देखकर मन विचलित हो जाता है कि किस तरीके से उन लोगों पर बीत रही होगी और किस तरीके की समस्या से वो जूझ रहे हैं और कैसे इसका हल निकलेगा। शुक्रिया पुष्कर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना के रखिए जोशीमठ पर, क्योंकि जिस तरीके से जोशीमठ में ये स्थिति देखने को मिल रही है, यह कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर कर देती है जो किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा, कैसे उन लोगों को राहत दी जाएगी, कब ये लोग अपने घर वापस लौटेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच गरीब और असहाय की मदद पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार लोगों के बीच कंबल बांटने के लिए सरकार बता दे कि इस दौरान आदेश दे चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि नौतनवा में कंबल के लिए 3 से 4 घंटे लोगों को इंतजार करना पड़ा, फिर भी लोगों को कंबल नहीं मिला है। लोगों ने कंबल नहीं मिलने को लेकर बता दें कि नौतनवा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह ने जरूरतमंदों के बीच वहां पहुंचे हैं और इस दौरान वहां कंबल बांटे गए हैं। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना सिंह ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष ठंड के दौरान वे गरीबों के बीच पहुंचकर गर्म कपड़े और कंबल उपलब्ध कराते हैं। महाराजगंज जिले के नौतनवा में कल कंबल वितरण हो रहा था, जिसमें दूर दूर से लोग आए थे। तकरीबन 300 से 400 लोगों की भीड़ थी। आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि जो लोग कंबल लेने आए थे वो तकरीबन 80 रुपया और 90 रुपया खर्च करके कंबल लेने आए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कुछ और पैसा उसमें लगा दिया जाए तो उन लोगों को कंबल मिल जाएगा। ऐसे में उनको कंबल सिर्फ 70-80 लोगों को कंबल मिला, बाकी लोगों को कंबल नहीं मिला। इसी के संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक मुन्ना सिंह हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये कंबल की जो 80-90 रुपए में जो ये खर्चा कर रहे हैं लोग, कंबल कितने में आता है और इस ये भी कुछ कंबल बांटे हैं और कंबल और साल की कीमत क्या है मार्केट में? सर, जो कल कंबल बटा है 80-90 रुपया लोग खर्चा करके आए हैं और कंबल लेने के लिए, उसके बाद उन लोगों को कंबल नहीं मिला। देखिए, जो कंबल आता है तहसील के अंदर, ये जिले से इसका टेंडर होता है। अब ये टेंडर में कितना निकालते हैं मैं नहीं जानता हूँ, 500-600 निकालते हैं, कितना निकालते हैं। मैं भी विधायक था, मैंने कभी भी सरकारी कंबल को अपने हाथ से वितरण नहीं किया। ये मैं कहता था कि लेखपाल जाए गांव के अंदर और जो गरीब लोग हैं उनके घरों को चिन्हित करके आवें और लेखपाल जा कर के जिम्मेदार आदमियों के साथ वहाँ पर दे दें, गाँव के वो दे दिए जाते थे। ये नेतागिरी की जा रही है, कंबल वितरण नहीं हो रहा है, विधायक के द्वारा कंबल बंटवाया जा रहा है ब्लॉक पे, यहाँ पे। मैं पूछता हूँ, मुझको शर्म आती है कि पूरे प्रदेश में हल्ला था कि इतना रुपया दे करके टिकट लिया लोगों ने। तो हम पूछते हैं, जिस जनता ने विधायक बना दिया उस जनता में अगर 10 लाख रुपया अपने पॉकेट से खर्च करके कहा नहीं कंबल मारते रहे लोग, हम भी मारते थे। ललितपुर जिले के थाना सोजाना अंतर्गत एक महिला नामजद लोगों पर अपने बच्चों को लेकर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे, घरेलू विवाद के चलते एक गर्भवती महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाई है। वहीं कुएं में डूबने से एक 5 वर्ष के बेटे की मौत हो गई है। ग्रामीण ने गर्भवती महिला और उसके दूसरे बेटे को बचाया, लेकिन उस प्रकरण में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब महिला ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई और इस दौरान पुलिस अधीक्षक के वे पर पास पहुंचे, पूरी घटना को बताया गया और पूरा मामला ही पलट गया। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने महिला के बयान लिए हैं, जिसमें महिला ने उक्त दबंग पर आरोप लगाए हैं कि फिर भी पुलिस ने महिला को आरोपी मानकर उनके खिलाफ 304 सहित और भी अन्य धाराएं मामला पंजीकृत कर लिया है। बता दें कि महिला का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसके बाद से महिला ने अपने साथ हुई घटना का सारा आपबीती बताया। इस दौरान महिला ने आरोप लगाया है कि वहां कुछ लोग हैं, कुछ बदमाश हैं, जिन्होंने उनके बच्चे को कुएं में फेंक दिया, जिसके बाद से महिला ने छलांग लगाई थी उन बच्चों को बचाने के लिए, जिसके बाद से बता दें कि लोग जो है महिला को ही गलत समझ रहे थे और इस दौरान पुलिस ने महिला पर ही मामला दर्ज कर लिया है।
इटावा में पुलिसकर्मी के 5 वर्षीय मासूम बेटे की पानी में गड्ढे में डूबने से मौत हो गई है। दरअसल मासूम खेलते हुए पानी में गड्ढे में गिर गया था। वहीं पुलिस सिपाही सोनू लाइन बता दें कि इस दौरान तैनात है और साथ ही सिपाही पत्नी के ऑपरेशन के लिए पुलिस के अधिकारियों से छुट्टी मांग रहा था। ऑपरेशन ना होने की वजह से सिपाही की पत्नी बच्चों की केयर नहीं कर पा रही थी। वहीं पीड़ित सिपाही के मृत बच्चे को गोदी में लेकर एसपी सिटी से अपनी पीड़ा व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश में अमिताभ ठाकुर द्वारा लखनऊ जेल में उनके साथ किए गए उत्पीड़न और साथ ही भ्रष्टाचार के संबंध में भेजी गई शिकायत की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। लोकायुक्त कार्यालय द्वारा प्रमुख सचिव कारागार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अमिताभ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लगाए गए आरोपों की जाँच की जा रही है। 2 सदस्य या 3 सदस्य जाँच समिति के माध्यम से जाँच परिवादी और सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लाए हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी को उप लोकायुक्त के अवलोकन भेजी जाए। अमिताभ ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें मात्र राजनीतिक कारणों से लखनऊ जेल में कई प्रकार के प्रताड़ित किया गया है। वही बिजनौर में बदमाश ने पुलिस के सामने कभी भी अपराध ना करने की कसम खाई है। साथ ही हर सप्ताह थाने में उपस्थित होने की भी पुलिस को आश्वासन दिया है। शातिर हिस्ट्री शीटर दर्जनों मुकदमे जिस पर लिप्त है उन्होंने अपराधी थाना बता दी कि कोतवाली शहर के टिकोपुर गांव का रहने वाला बताया जाता है। इसने पुलिस के सामने कसम खाई है कि वे कभी अपराध नहीं करेगा। जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत RH के डेरा घाट में लगभग 5 दिन पहले ही नदी में लापता हुए मल्हा का शव बरामद हुआ है। जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत RH के डेरा घाट में विगत शुक्रवार को प्रशासनिक अमले द्वारा छापेमारी के दौरान 3 मल्हा शौच करने के लिए नदी में गए थे और इस दौरान वे पुलिस को देखकर नदी में ही कूद गए। बता दें कि इस दौरान 2 मल्हा निकल गए थे और 1 मल्हा की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद से उस मल्हा की तलाश लगातार जारी थी और अब पुलिस को शव बरामद हो गया है। महोबा में मुस्लिम समुदाय पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाली युवती के विरोध में हुसैनी सेना का प्रदर्शन देखने को मिला है। मुस्लिम समाज ने कानून कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। लड़की है इसी इसमें प्रभार क्षेत्र में आती है, उसके लिए हम लोग ने प्रार्थना पत्र दिया है। उसे अभद्र टिप्पणी करके इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर उगलने की प्रयास किया गया जा रहा है और उससे माहौल खराब होने की संभावना है। उसके इसलिए हमने जो है इसको आपके चौकी प्रभारी को दिया है प्रार्थना पत्र कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करके माहौल शहर का शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें। क्या आश्वासन दिया है चौकी इंचार्ज? उन्होंने कहा है कि अभी हम लोग तत्काल प्रभाव से इसको दिखवाते हैं और उन्होंने टीम गठित करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। ये देखने को मिला है कि इंस्टाग्राम पर एक लड़की ने जो पोस्ट डाली है वो बहुत ही आपत्तिजनक है, जो महोबा के माहौल को ख़राब कर रही है। इसको देखते हुए पुलिस चौकी में हम लोगों ने ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। किस प्रकार की पोस्ट है और लोगों के द्वारा ये पोस्ट डाली गई है? एक लड़की के द्वारा की गई है जिसमें गलत भाषा का प्रयोग किया गया है, इसके लिए हम लोगों ने विस्तार किया। वहीं महोबा में गर्भवती महिला का हालत गंभीर बताकर महिला को अस्पताल में डॉक्टर ने दूसरा अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है बता दें कि एम्बुलेंस में ही, जिसके बाद से डॉक्टर पर बिना जांच करके रेफर करने का आरोप लगाया गया है। एम्बुलेंस चालक और इस दौरान बता दें कि उन्होंने एम्बुलेंस चालक का साफ तौर पर कहना था कि इस दौरान महिला की एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई थी और इसके बाद से लगातार परिजन जो है डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। वहीं बता दें कि महोबा की ये तस्वीर आपने देखी किस तरीके से वहां पर लोग परेशान हैं और इस दौरान डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि इस दौरान महिला की जो एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो गई थी, इसके बाद से लगातार महिला परेशान थी और डॉक्टर को ही इस दौरान पीड़ित ने जमकर आरोप लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।